हाँ भाई बोलिए। हाँ तो क्या क्या बात है, मैं समझ नहीं पा रहा, बोलिए ना, क्या किस वजह कॉल नहीं बोले। आप बताइए ना, आप बताइए क्या कैसा क्या करना है, आप बताइए क्या। मैं क्या बताऊँ, आपको बताना पड़ेगा। नहीं आप तो बताएंगे तभी तो मैं वो करूँगा ना, पहले तो बताओ ना, आप क्या तो बताइए। मैं क्या बताऊँ। देखिए मैं एक बिजनेसमैन हूँ, समझो कि मेरे को फालतू पचड़े में पड़ना नहीं है। नहीं वही तो मैं इसलिए तो बोल रहा हूँ ना, आप जो बताएंगे तभी सलाह मशवरा करके हल होंगे ना उसका समाधान। हाँ तो क्या है वो बताइए ना, आगे वाली क्या रिक्वायरमेंट है मेरे से, मैं भी गलत काम भाई करता हूँ। आगे नहीं, वो बात सही है, आपकी बात सही है, मैं आपकी बात से एग्री हूँ। अब वो कैसा है, आगे वाला व्यक्ति है समझो पॉलिटिशियन, हाँ समझ गया मैं। उसकी एक्सपेक्ट उस हाँ उसकी एकदम हाई रहेंगी, और तो फिर वही पूछ रहा हूँ पहले। नहीं तो वसीम वसीम है हाँ ना, क्या आगे वसीम बात नहीं, करेंगे वसीम ही नाम है ना उनका, जी। मोहम्मद वसीम नाम है ना, वसीम, मोहम्मद मोहम्मद वसीम। वसीम और ये शाकिर रजा, ये भी पॉलिटिशियन है क्या? ये मीडिया चैनल है, ये अच्छा, ये दो तीन लोग मिलके कर रही है, ऐसा ऐसा दो तीन लोग नहीं है, दो तीन लोग नहीं है, ज़्यादा होंगे ना। काफी बड़ा चैनल है उसमें, हाँ काफी बड़ा चैनल है और है कुछ बता नहीं पाऊंगा अभी मैं वो, वैसे नहीं बातें नहीं वो तो क्या है, ठीक है ना यार, वो फोन पे वैसे पूरी डिटेल नहीं दिखा पाऊंगा ना मैं, वही तो मैं पूछ रहा हूँ, मैं आप आपसे मिला बताइए हूँ क्या कैसा क्या कभी? करने का, उसके सलाह मशवरा हल हो जाएगा। नहीं वो तो सवाल ही नहीं उठता। मैं अपन अभी कभी मिले हैं क्या? अपन शायद एक बार गडकरी के साहब के साथ में मुलाकात हुई है। अच्छा, ठीक है ठीक है। तो बताइए ना क्या, देखो क्या जो ना आप बताइए भाई, आप अरे बताओगे ना, आप मैं, बताओगे तो मैं आगे में डिस्कस कर सकूंगा। अरे पैसा है क्या वो, ठीक है बड़ा आदमी है तो भाई उसकी क्या मंशा है, क्या चाहिए मेरे को क्या। देखो मेरे बस में रहेंगे तो मैं यस बोलूँगा, नहीं तो आपको घुमाऊंगा फिराऊंगा नहीं, मेरा साफ सुथरा काम है। नहीं वो ये सब चीजें किस लिए वजह से करते हैं, अभी 120 दिन बचे अपने तो महाराष्ट्र में चुनाव। हाँ हाँ, चुनाव के लिए पैसा लगता ही है बराबर है। बस हाँ तो आप बताइए ना क्या करना है, मैं आपकी बात काटूंगा नहीं, आप अच्छे व्यक्ति लगते हो मुझे नहीं आप। वो नहीं बात वैसी नहीं है, मेरा बोलने का तरीका अलग हो जाएगा, उनकी बात करने का तरीका अलग हो जाएगा। मैं कैसा है, मैं अगर आपको जो चीज बोलूंगा वो अगर उस चीज पे एग्री नहीं हुए, या वो चीज मैं बोलूंगा तो आप एग्री नहीं हुए, नहीं ऐसा नहीं है ना, इसमें कैसा देखो पैसा है, रहता। मेरे को उनसे मिलाने की जरूरत नहीं है, समझे क्या, और मेरे को उनसे। नहीं हाँ वो तो खैर मुलाकात नहीं हो पाएंगी क्योंकि आज हम लोग निकल रहे हैं बॉम्बे के लिए, अच्छा, वसीम भाई एक यार आप 4 बजे जी। उनके साथ ही रहते क्या, वसीम भाई के? अच्छा हाँ मैं साथ में रहता हूँ। अच्छा, तो आप मेरे को बताइए ना क्या उनकी रिक्वायरमेंट है, वो देखेंगे। मैं आपको वही बोल रहा हूँ कि मैं कुछ भी नहीं बोल सकता हूँ, मैं जो बोलूंगा अगर वो एक्सेप्ट कर लिए तो अच्छी बात है, जहां तक के तो 99% है कि मेरी बात वो कभी काटते नहीं है, टालते भी नहीं है और काटते भी नहीं है, लेकिन अच्छा फिर भी कैसा रहता है, एक माहौल जो अलग बना हुआ है उसके हिसाब से इन लोग एक्चुअली कैसा है। देखो मैं आपको एक बता सकता हूँ कि मैक्सिमम इसमें कम से कम 10 से 15 लोग हैं, अरे मेरे बाप रे, ये बहुत लंबी चैन है, बहुत अच्छा लंबी चैन है ये। लेकिन यार ये सब ठीक नहीं है। चलो ठीक है, वो तो मेरे को वैसे ही बोल देते थे तो मैं कर देता था, ये सब करने की क्या जरूरत थी, मैं तो इतने पैसे खर्चा करता ही हूँ। नहीं तो ये कैसा है, जब तक ठीक से एग्री है, और उसमें सबसे पहला मुद्दा क्या हो गया, राजा का अच्छा, क्रिश्चियन जगह पे, क्रिश्चियन वाले की जगह पे वो बैठा हुआ है, अरे तो भाई उसको बोलो ना भाई, मेरा तो नहीं था ना। उनका भी मुद्दा उठाए ना। अभी देखो ना 4 बजे कमिश्नर ऑफिस में मीटिंग है एनएमसी में। अच्छा, हाँ तो अभी वो कैसा है, पूरा डिटेल मैं आपको नहीं दे पाऊंगा ना, लेकिन जो मेरे पास जो मेरे को समझता हूँ मैं तो वो मैं करता हूँ। अब आप बताइए आपको क्या कर सकता हूँ मैं, वो मेरी तरफ से मैं सेटलमेंट करता हूँ, बात करता हूँ मेरे कितने होना, एक बात बता, एक मोटा माटी एक अंदाज तो दो मेरे को कि आप भाई, देखो उनके साथ भाई सुने मैं कुछ भी नहीं, भाई सुनो ना भाई, मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं कुछ भी नहीं बता सकता हूँ, नहीं फिर मेरी भी, कैपेसिटी के बाहर है। नहीं तो फिर भी तुम्हारी कैपेसिटी, देखो क्या होगा कि 10 लाख चाहिए, 20 लाख चाहिए, 25 चाहिए, 50 चाहिए, आप उनके साथ में रहते ना। वो बात सही है। अच्छा आप एक काम करिए, मैं एक काम करता हूँ, है ना, पहले बात करता हूँ भाई से,
नहीं फिर भी एक अंदाज तो बता दो कि क्या सेटल होगा कितने में। अभी आप रहते हो, अभी आप लोग सेटल तो हो जाएगा। मैं क्या बोला भाई, आपकी बात मैं काटूंगा नहीं और मेरी बात वो नहीं काटेंगे। हाँ तो बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है, है ना। ये मैं सेटलमेंट तो बात कर लेता हूँ, ऐसा वो नहीं है। और कैसा है ये जो मैं आपको भेजा हूँ, ये एक्चुअली 5 पार्ट है। ओके, अभी तो 2 ही रिलीज हुए, अच्छा अच्छा, लेकिन ये 5 पार्ट है, ऐसा है। और मैं ये नहीं चाहता हूँ भाई, देखो मेरा भी साफ सुथरा व्यवहार है, आगे मेरा भी फ्यूचर खराब ना हो। हाँ बराबर बराबर, मेरा भी फ्यूचर खराब ना हो, क्योंकि मेरे को तो आगे बहुत समय तक के साथ में रहना है। हाँ सवाल ही नहीं होता, है ना, क्योंकि मैं भी तो कुछ उनसे एक्सपेक्ट करता हूँ ना। हाँ वो तो सवाल ही नहीं होता। मैं जब उनके लिए कंटिन्यू रात रात भर, कल मैं एक्चुअली आपका कॉल इसलिए नहीं उठा पाया, कल मैं रात में 2 बजे आया उनके साथ में। नहीं नहीं ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये मोटा माटी भाई अंदाज क्या रहेगा फिर भी बता दो ना मेरे को। वो आप 1 के तो ऊपर ही पकड़ के चलो, एक अंदाज 1 करोड़ के ऊपर। तो क्या कैश देना पड़ेगा पूरा? कैश वाला ही लफड़ा रहेगा ना भाई, वो चेक से और इस पे तो पेमेंट हो नहीं पाएगी। तो और दूसरी बात पैसा इसमें पता है क्या, इसमें एडवोकेट भी इन्वॉल्व है, इसमें जज भी इन्वॉल्व है, सभी रहेंगे। चलो निपटाओ, एक बार बात तो, एक बार बात तो करो ना। अच्छा जज भी इन्वॉल्व है, बात छेड़ता हूं उनसे। जज मेरे ख्याल से कौन, वो कुबड़े साहब है क्या? नहीं नहीं नहीं, कुबड़े साहब नहीं है। अच्छा वो उनका मैटर अलग है। ठीक है आप बात करो, देखते क्या है। मैं जो जितना देना रहेगा मैं बता दूंगा, मेरा क्या अरेंजमेंट होता है मैं बताता हूँ। नहीं आप भाई, मैं वही बोल रहा हूँ, कैसा है मैं उनसे फिर भी बात करता हूँ। आप फाइनल फिगर बताओ मेरे को, फाइनल फिगर सुनिए ना भाई, सुनिए तो भाई, भाई मेरी बात तो सुनिए। जो भी निगोशिएट हो जाएगा ना, मैं करने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन फिर भी कैसा है, जो उनका रहेगा और जो आपका रहेगा वो पहले बता दीजिएगा, तो उसके बाद में जो मेरे को मिला रहता वो करते हैं। मिलाना मत, लेकिन वो मेरे को मिलाना नहीं, नहीं मुलाकात तो भाई नहीं हो पाएंगी ना, मैं वही बता रहा हूँ ना। आज कैसा है देखो, आज मैं 4 बजे एग्जैक्ट 4 बजे जो बीएमसी कमिश्नर के ऑफिस में है, वो जो आपने इसका बनाया ना, वो राजा भाई ने मेरे ख्याल से शाकिर रजा खान से कंप्लेंट की है। शाकिर रजा खान नहीं के जो यूट्यूबर है, हाँ, वो क्या सारे ट्रस्टियों के नाम उसने बदनाम कर दिया ना। नहीं तो भाई उसमें कुछ नहीं कर सकते ना। हाँ। अब मुझे एक बात बताओ आप, चलो केस कितने भी कर लो, हाँ नहीं केस से फर्क नहीं पड़ेगा। पहली बात कैसा है, प्रूफ, एक एक प्रूफ है। प्रूफ है, प्रूफ होगा उसके बाद आ जाएगा। देखिए ना मैं बता रहा हूँ, एक एक पेपर है हमारे पास। अच्छा अच्छा अच्छा, A to Z पेपर है। आप कितनी कंप्लेंट डाल देंगे उसमें कुछ भी नहीं हो पाएगा भाई। वो कैसा है, जो भी सलाह मशवरा से बात हो जाएंगी, हाँ वो बराबर हो जाएगा तो हो जाएगा। ठीक है ठीक है ना, ठीक। बाकी तो फिर आगे आपकी मर्जी है, फिर उनकी मर्जी, उसमें तो अपन कुछ भी नहीं कर सकते। नहीं नहीं ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। बस आप लोगों को 4 बजे फोन करो ना। हाँ तो मैं वही बोल रहा हूँ, मैं एक बार उनसे बात करता हूँ, लेकिन एक चीज भाई ये ध्यान में रखेंगा कि कहीं पर भी अगर मेरा नाम इन्वॉल्व नहीं होने को ना। अरे नहीं यार अपन ऐसा कर, देखो अपन नहीं पटेंगे, नहीं करेंगे, समझे क्या? नहीं वही मैं बोल रहा हूँ, लेकिन ये राज का राज ही रहेगा। ठीक है हाँ, वो मैं कैसा है मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है ठीक, जो भी मसला है मैं कोशिश करूंगा 99% हल करवा दूँ। ठीक 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 है ना। और अगर ऐसा कुछ रहेगा तो मैं, एक मेरा एकदम क्लोज बंदा है, उसको मैं बात करता हूँ पहले। पहले कर लो, फिर देखते ना। हाँ मैं पहले इनसे बात कर लेता हूँ, लेकिन जल्दी, एक बार भाई मेरा ध्यान रखिएगा। हाँ जल्दी बताना, मैं मुंबई जाने वाला हूँ, फिर मुंबई से आने के बाद ही होऊंगा। हाँ जो भी है मैं, लेकिन मेरा ध्यान रखिएगा। हाँ पक्का पक्का, ठीक है।